हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मे बी यू ऑल आर फिट एंड फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर जस्ट कंटिन्यू द चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री, टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स. जैसा कि हमने पिछली मीटिंग में इस चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था, और आज हम इसका नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. तो इसमें क्या डिफाइन किया गया है? 8th सेंचुरी के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत से छोटे शहरों का उदय होने लगा. ये शायद बड़े गाँव का ही बदलता स्वरूप थे. इन छोटे शहरों में मुख्य रूप से मंडपिका, जिसको बाद में मंडी कहा जाने लगा. तो ये ऐसा एक स्थान था जहाँ पर आसपास के गाँव के लोग अपने सामान को बेचने के लिए लाया करते थे. इसके अलावा मार्केट स्ट्रीट्स होती थी, जिन्हें हट्टा कहा जाता था, और बाद के समय में इन्हें हाट कहा जाने लगा. तो मार्केट स्ट्रीट्स में जो दुकानें होती थीं, वो एक लाइन में या एक पंक्ति में हुआ करती थीं. और बिसाइड्स दीज ऑल थिंग्स, यानी इनके अलावा, स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टीशन सच एज पॉटर, ऑयल प्रोसेसर्स, शुगर मेकर, टॉडी मेकर, स्मिथ स्टोन मैसन्स एट्सेट्रा. इनके अलावा गलियों में अलग अलग प्रकार के जो आर्टिशियंस हैं, जिनमें कुम्हार हैं, तेल निकालने वाले तेली हैं, या चीनी बनाने वाले हैं, या टॉडी मेकर हैं, तो इस तरह के जो आर्टिशियंस हैं वो रहा करते थे. वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन टाउन, इसके अलावा कुछ जो व्यापारी हैं वो उसी शहर में ही रहा करते थे, और कुछ दूर दराज के शहरों से वहाँ अपना सामान बेचने के लिए आते थे. और इसके अलावा कुछ वहाँ पर जैसे जो लोकल आर्टिकल्स हैं वो अपने सामान को बेचा करते थे, और जो दूर दराज के जो व्यापारी आया करते थे तो वो अपने साथ कुछ खास तरह का सामान लेके आते थे, जैसे घोड़े हैं, नमक है, कपूर है, इसके अलावा सेफ्रॉन है, या कई तरह के मसाले हैं जिनमें काली मिर्च आदि. और यहाँ आप इस बाज़ार का दृश्य देख सकते हैं. जैसे ये छोटा सा शहर है, आसपास आप देख सकते हो कि टोटली मींस लोग आसपास यहाँ घूम रहे हैं, कोई सामान खरीद रहा है, कोई बेच रहा है. तो इस तरह से मीन्स छोटे शहरों में भी जो हाट या मंडियां हैं वो इस्टेब्लिश्ड होती थी. अब हम बात करते हैं उन लोगों से जो कि व्यापारिक वर्ग से परे के लोग हैं. तो वो लोग कौन थे? यूजुअली या सामंताज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और जिन्हें बाद में ज़मींदार कहा जाता था. तो ये लोग जो हैं वो इन शहरों के आसपास बड़े बड़े महलों में, जो कि चारों तरफ से किले नुमा दीवारों से ढके हुए होते थे, वहाँ ये रहते थे. और इनका काम क्या होता था? दे लेविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स आर्टिशियंस एंड आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड्स. और इनका काम था कि मीन्स व्यापारियों पर, आर्टिशियंस पर, और वो सामान जो कि व्यापार के लिए लाया या ले जाया जाता था, उन पर ये टैक्स लगाते थे. और कभी कभी वो अपने इस अधिकार को, अपनी इस ड्यूटी को डोनेट भी कर दिया करते थे लोकल टेम्पल्स की अथॉरिटीज़ को. और फिर ये अधिकार चला जाता था लोकल टेम्पल्स अथॉरिटीज़ के लिए, कि फिर वो कुछ राइट्स जो हैं उनको मिल जाते थे कि वो जो टैक्स कलेक्शन का जो काम है वो कर सकते हैं. और कई बार जो ये मंदिर हुआ करते थे, कई बार ये इनके खुद के द्वारा निर्मित होते थे, या कुछ जो अमीर व्यापारी हैं वो इनका निर्माण करते थे. सो दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डे. और उनके इन अधिकारों का एक रिकॉर्ड जो है इंस्क्रिप्शन फॉर्म में रखा गया है, जो कि आज हमें उपलब्ध है. अब आगे हम बात करते हैं टैक्सेस ऑन मार्केट्स, कि आखिर जो ये लोकल टेम्पल अथॉरिटीज़ जो थीं वो किस प्रकार से जो टैक्सेस हैं वो लगाया करती थीं, और किन वस्तुओं पर जो टैक्स है वो लगाया जाता था. तो जैसे ये बॉक्स हम यहाँ नीचे देख रहे हैं, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं जिनके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते थे. जैसे शुगर है, जागरी है, डाइज हैं, थ्रेड हो गया, कॉटन है, कोकोनट हैं, सॉल्ट हैं, इवन एरिका नट्स हो गए, बटर्स हैं, सीसेम्स हैं, और क्लोथ्स हैं. तो ये सभी वो चीज़ें थी, वो प्रकार थे जिनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो लगाए जाते थे. इसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो ट्रेडर्स के ऊपर भी, या फिर उन ट्रेडर्स पर जो कि मेटल की चीज़ों को बेचते थे, डिस्टलर्स हैं, ऑयल मेकर्स हो गए, इसके अलावा जो जानवरों का चारा है, अनाज है, तो इनके ऊपर भी कई तरह का जो टैक्स है वो लगाया जाता था. बात करते हैं ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, कि ये जो व्यापारी हैं वो कई प्रकार के हुआ करते थे. जैसे इनमें इंक्लूड किया गया है बंजाराज को, तो बंजाराज जो हैं वो छोटे प्रकार के व्यापारी हुआ करते थे. तो बंजारे वो लोग होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जानवरों के साथ घूमते हैं, और ये मार्केट्स में अपने जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने का काम करते हैं. और इसके अलावा कोई दूसरे तरह के व्यापारी होते हैं, स्पेशली जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हॉर्स ट्रेडर्स का,
कि घोड़े के व्यापारी, तो इस तरह के जो बड़े व्यापारी हैं वो अपने एसोसिएशंस बनाते हैं, अपने संगठन बनाते हैं, और फिर जो इनके व्यक्ति हैं यानी कि जो इसमें व्यापारी हैं, तो वो जैसे मीन्स अब घोड़े का प्रयोग जो है वो युद्धों में ज़्यादातर होता है, तो यानी वैरियर्स यानी योद्धाओं के लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मीन्स सेना का जो हेडमैन है यानी सेनापति जो हुआ, तो वो इन व्यापारियों से बातचीत करता है घोड़े के सिलसिले में, मीन्स उनके व्यापार के सिलसिले में लेन देन जो होता है कि कितने घोड़े चाहिए और क्या प्राइसेस उनके होंगे, तो इस तरह की बातचीत जो होती है एक तरह से सेना के हेडमैन और इन व्यापारी समूह के बीच में होती है। देन सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स, अब आगे बात करते हैं कि आखिर ये व्यापारी जो हैं किस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। तो अपने व्यापार के दौरान ये बहुत से राज्यों से गुजरते हैं, जंगलों से गुजरते हैं, और इनकी जो यात्रा करने का तरीका होता है वो कारवा फॉर्म में होता है। कारवा का मतलब होता है कि एक ही लाइन में ये अपने जो भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट मोड हैं, चाहे ये घोड़े की सवारी कर रहे हैं या ऊँट की सवारी कर रहे हैं या कुछ कार्ट्स लेके चल रहे हैं, तो उनको एक लाइन में ही लेकर के ये अपनी ट्रैवलिंग करते हैं और उसमें अपने सामान को लाते हैं या उनका परिवार या ये खुद स्वयं इस प्रकार से यात्रा करते हैं। इसके अलावा दे फॉर्म्ड गिल्ड, अब गिल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गिल्ड का मतलब होता है सेम एज एसोसिएशन, कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे संगठन बनाते हैं जिसमें इन व्यापारिक समूहों के जो हित हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह के कुछ गिल्ड्स के एग्जांपल्स साउथ इंडिया में जो थे 8th century ऑनवर्ड्स उनके बारे में आगे बताया गया है। तो उनमें सबसे मोस्ट पॉपुलर थे जैसे मनीग्रामम और नाना देसाई, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि मनीग्रामम और नाना देसाई, तो ये वो दो ऐसे इम्पॉर्टेंट गिल्ड्स थे जो कि अपने व्यापारी समूह के हितों का बड़ा ध्यान रखते थे, और इनके जो व्यापार थे वो अपने ही देश तक सीमित ना होकर के देश विदेशों में जैसे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक इनका जो व्यापार है वो फैला हुआ था। इसके अलावा कुछ ट्रेडर कमिटीज़ जो थीं वो काफ़ी फेमस थी इंडिया में, जिनमें नाम आता है चेतियार्स, मारवाड़ी ओसवाल्स, इसके अलावा जो गुजराती ट्रेडर्स हैं उनमें नाम आता है एक तरह से मुस्लिम बोराज हैं और हिंदूज बनियाज हैं। तो ये वो ट्रेडर्स कम्युनिटीज़ थीं जो कि भारत में व्यापार के लिए, भारत के साथ साथ विदेशों में भी व्यापार के लिए काफ़ी फेमस थीं, और ये कई तरह के सामान को बेचने का काम करते थे जैसे कॉटन टेक्सटाइल है या स्पाइसेस हैं, और इसके बदले में वो विदेशों से गोल्ड है, आइवरी यानी हाथी दांत का सामान है, कुछ मसाले हैं जो कि भारत में नहीं मिलते हैं, या ब्लू पॉटरी जो कि चाइनीज़ में, जो चाइनीज़ ब्लू पॉटरी है जो कि चाइना में काफ़ी फेमस है, तो इस तरह का जो सामान है वो भारत में लेके आया करते थे। इसके अलावा बात करते हैं कि जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट एरिया है यानी कि जो कोस्टल एरिया है गुजरात के आसपास का और महाराष्ट्र में मुंबई और सूरत हो गया, तो ये दोनों कोस्टल एरियाज़ और पोर्ट एरियाज़ जो हैं अरब, पर्शियन, चाइनीज़, ज्वेश और साइरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स के होम माने जाते थे। यानी ये व्यापार का उनका समझ लो कि एक ऐसा ज़रिया था कि वो यहाँ पहुँच कर समुद्री यात्रा कर और इन पोर्ट एरियाज़ में पहुँच कर बाकी जो सामान है वो आगे भारत के अन्य हिस्सों में पहुँचाने का काम करते थे। आप जैसे ही मान लो यहाँ पे बताया कि रेड पोर्ट सी से जो इंडियन स्पाइसेस हैं और जो कपड़ा है उसे इटालियन ट्रेडर्स खरीदते थे, और उसके बाद वो उसको आगे यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचाते थे, और इस प्रकार से उनको बहुत अच्छे लाभ जो हैं वो प्राप्त होते थे। अब जैसे स्पाइसेस जो हैं वो कुछ खास तरह के क्लाइमेट में ही पैदा हो सकते हैं, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही जो मसाले हैं उनका उत्पादन होता है, तो चाहे वो काली मिर्च है या फिर सिनेमन है या ड्राइड जिंजर है, तो इस तरह के जो मसाले हैं वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया में ही पाए जाते हैं। तो जब इसका प्रयोग या जब ये मसाले जो हैं यूरोपियन मार्केट में पहुँचे तो यूरोपियन कुकिंग में इनका इस्तेमाल होने लगा, और हम जानते हैं कि मसाले का जो प्रयोग है वो खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है, तो इस वजह से यूरोपियन मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई। कॉटन क्लोथ्स इंडिया के बहुत अट्रैक्टिव होते थे तो जिसे वहाँ के लोग बहुत पसंद करते थे, और इस वजह से इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए जो व्यापारी भारत से जो ये सामान लेके जाते थे तो उनका मीन्स यूरोपियन मार्केट्स में या अदर कंट्रीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी और वो अच्छे प्रॉफिट्स इससे कमाते थे। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू मार्केट, और इस वजह से जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं वो इंडियन मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। और हम शॉर्टलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय के बाद जो भारतीय व्यापार हैं या भारतीय जो ये छोटे नगरों की हम बात कर रहे हैं तो इनकी स्थिति में क्या क्या बदलाव जो है आगे फ्यूचर में चलकर देखने को मिले। अब हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट
मीटिंग में हम सब मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन।